दिल्ली में कोरोना के केसेस, जैसा हम सब जानते हैं, बढ़ रहे हैं, और बढ़ते हुए केसेस की संख्या को देखते हुए सरकार ने इस बात पे फोकस करना शुरू किया है कि लोगों की जान बचाना ज़रूरी है। लोगों को अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो वहाँ उनको पर्याप्त सुविधाएं हों, उनका एडमिशन आसानी से हो जाए, उनको वहाँ ट्रीटमेंट ठीक से मिल जाए, जिनको ज़रूरत है ऐसे लोगों को, फिर उनकी जान बचाना ज़रूरी है। सारा फोकस सरकार इसी पे कर रही है, इसीलिए कोविड डेडिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, पूरी स्ट्रेटेजी उसको रख के बनाई जा रही है दिल्ली में। अभी तक हमने 5 सरकारी अस्पतालों को फुल्ली कोविड डिक्लेयर किया है, हमने 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फुल्ली कोविड डिक्लेयर किया था, और 61 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बड़े हैं, एक सीमित उसमें जिसका जिक्र सत्येंद्र जी करेंगे, उनको हमने 20% उनकी जितनी भी बेड कैपेसिटी थी उसके 20% कोविड डेडिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी के लिए डेडिकेट करने के लिए ऑर्डर दिए थे। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने इसको माना है और 20% अपने बेड्स कोविड के लिए रिजर्व करके रखे हैं। इसका फायदा यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का इलाज कराने अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसको फिर ये कह के वहाँ उसका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता कि आपको तो कोविड है और आपका हम हार्ट का इलाज नहीं कर सकते, या आपको तो कोविड है आपका हम फलां इलाज नहीं कर सकते जो नॉर्मल कोर्स में हम कर सकते थे। इसलिए ये 20% का ऑर्डर किया था। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो इसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स को शायद अभी अपने लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आ रही है। उनका कहना है कि हमारे लिए मिक्स सिस्टम चलाना मुश्किल हो रहा है। तो जिन हॉस्पिटल्स को दिक्कत आ रही है, फिर हमने डिसीजन लिया है कि उनको हम फुल्ली कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देंगे। कल भी कुछ हॉस्पिटल्स को फुल्ली कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया गया है। इसमें दिल्ली के 3 हॉस्पिटल हैं, मूलचंद हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल और सरोज हॉस्पिटल पीतमपुरा में हैं। इन 3 हॉस्पिटल्स को हमने फुल्ली कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ केवल कोविड के मरीजों का इलाज होगा। इसी तरह कुछ और हॉस्पिटल्स भी हैं जो अभी इस 20% बेड रिजर्वेशन पे, उनका मानना है कि मिक्स चलाने में दिक्कत होती है, तो हमने उनको भी कहा है कि कल तक देख लें, अगर कल तक भी दिक्कत जारी रहती है आपको तो फिर आपके हॉस्पिटल को भी पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर देंगे। तो जो जो हॉस्पिटल 20% वाला नहीं कर पाएंगे, हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि फिर पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएं। ये है, जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का पूरा फोकस इस बात पे है कि लोगों की जान बचाए। हमें डेटा में नहीं उलझना है, हमारे कोई राज्यों से कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमें दिल्ली के लोगों की जान बचानी है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के किसी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल की जरूरत पड़े तो उसके पास में बेड उपलब्ध हों। हम इसीलिए जितने भी पॉलिसी बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं, इसीलिए सबसे ये भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, आप वो अगर कोरोना पॉजिटिव भी हैं तो आप अपने घर पे रहें, हॉस्पिटल में ना भागें। हॉस्पिटल्स केवल और केवल दिल्ली के उन लोगों को ज़रूरत है जो उनकी ज़रूरत के लिए छोड़ें, जो अगर केस बढ़ने की संख्या में जिनकी कुछ तबीयत खराब होती है, जिनको कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है, एसिम्प्टोमेटिक होने पे आप हॉस्पिटल में ना जाएं और किसी भी तरह के किसी पैनिक में ना आए। सत्येंद्र जी इसमें कुछ ऐड करें। सबसे पहले तो मैं यही समझा बताना चाहूँगा कि सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक का फ़र्क क्या है। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। पहली एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स, जैसे बुखार होना, खांसी होना, ये माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं, एसिम्प्टोमेटिक के साथ ही आते हैं। दूसरी कैटेगरी मॉडरेट होती है और तीसरी सीवियर होती है। मॉडरेट कैटेगरी के अंदर आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने की गति 15 से ज़्यादा, अगर आपकी 15 से ज़्यादा है तो उसको मॉडरेट कहते हैं, और अगर वो 30 से ज़्यादा सांस लेने की गति 1 मिनट के अंदर है तो उसको सीवियर कहते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस में, बुखार खांसी या कोई सिम्टम नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अस्पताल में, आप घर पे रह के आराम से ठीक हो सकते हैं। आज भी कई हज़ार लोग होम आइसोलेशन में हैं और वो सब ठीक हो रहे हैं। अगर आप मॉडरेट, मतलब आपकी ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे चली जाती है, 90 से 94 के बीच में, और सांस लेने की गति 15 से ऊपर है, तब मॉडरेट में कहलाते हैं, तब आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। या आपकी ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे और आपकी सांस लेने की गति 1 मिनट में 30 से ऊपर चली जाती है तो सीवियर कैटेगरी होती है, इमीडिएट आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। बाकी लोगों को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सीवियर कैटेगरी में और मॉडरेट कैटेगरी के लोग हैं उनको इमीडिएटली हेल्थ केयर मिल सके, इसके लिए कई कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार के अपने 5 हॉस्पिटल्स को पूरी तरह से कोरोना के लिए डेडिकेट किया गया है।
साथ ही साथ सरकारी हॉस्पिटल में औरों में भी बेड का इंतजाम किया गया है 61, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 20% बेड को रिजर्व किया गया है, 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोरोना के लिए प्राइवेट पहले थे और 3 को कल डिक्लेयर किया गया है। अभी जैसा मनीष जी ने बताया कि कुछ हॉस्पिटल्स का कहना है कि 20% बेड के साथ उनके लिए कुछ दिक्कत आ रही है, उनसे हम कहना चाहते हैं कल तक आप देख लीजिएगा, अगर आपको चलाने में दिक्कत है तो आपके अस्पताल को पूरे को हम डिक्लेयर कर देंगे, आप पूरे अस्पताल को कोरोना की तरह से चला लीजिएगा। और हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान मतलब इलाज की दिक्कत ना हो, दिल्ली के अंदर सबको इलाज मिल सके, उसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। थैंक यू।